we are to discuss how to read the National Curriculum Framework for a school education. As I told in the beginning, that it is a very comprehensive document, that is National Curriculum Framework for a School Education 2023. Since it is a very comprehensive document, that is why it has been suggested how to read the content related to, needed content related to this document, that is National Curriculum Framework for School Education. और थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने की भी थी कि क्या सजेशन है. सो लेट अस कम एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि ये आपको ज्ञान रहेगा तो आप बेटर ढंग से इसको पढ़ सकते हैं. सो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट सबहेड फॉर द पर्सन हु इज टू रीड द डॉक्यूमेंट. सो दिस आस्पेक्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 इज मीनिंगफुल टू एवरी रीडर एज इट मेक्स द रीडर टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द टेक्स्ट. मतलब ये डॉक्यूमेंट को कैसे रीड करना है इसके बारे में ये जानकारी देता है. दिस ऑल्सो हेल्प्स टू नो व्हिच आस्पेक्ट टू रीड मोर एंड और फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट टू रीड. मतलब ये है कि किस आस्पेक्ट पे ज़्यादा बल देना है और कहाँ से पढ़ना हमको शुरू करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए. फर्स्टली इट सजेस्ट टू रीड फ्रॉम बिगनिंग टू एंड एज इट इज़ एन इंटीग्रेटेड डॉक्यूमेंट एंड कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाई रीडिंग इन पीसेस फ्रॉम हीदर एंड दीदर. मतलब ये डॉक्यूमेंट पहले तो ये सजेस्ट करता है कि यदि आपको पढ़ना है तो शुरू से अंत तक पढ़ें. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड the basics of this national curriculum framework as your own and in a very comprehensive manner. But ye document dusre tarah se bhi padha ja sakta hai, lekin aap is document ko pieces mein nahi padhe, yahan wahan se utha ke nahi padhe, kyunki it is a integrated document. Or integrated document in the sense ki yadi ek part ko theek se nahi samjhenge to dusra नहीं समझ में आएगा और कठिनाई होगी. तो पहला सजेशन हाउ टू रीड में यह है कि आप शुरू से पढ़ें और अंत तक पढ़ें. इट फर्दर सजेस्ट दैट इफ वन हैज टू रीड इन ए सेलेक्टिव मैनर. मतलब हमने पहले ही कहा कि सारे रीडर तो बिरले ही सब उनको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, लेकिन सेलेक्टिव भी पढ़ना है तो उसके लिए सजेस्ट करता है, क्योंकि यह समझ रहा है जो इसके बनाने वाले हैं कि शुरू से अंत तक पढ़ना ये सर्वसाधारण लोगों के लिए संभव भी नहीं है और उनसे अपेक्षा भी नहीं की जाती है. सो इट सजेस्ट फर्दर सजेस्ट दैट इफ वन हैज टू रीड इन ए सेलेक्टिव मैनर ही सी शुड रीड पार्ट ए एलोंग विद द सब्सिक्वेंट पार्ट ही सी इंटरेस्टेड इन. मतलब ये सजेस्ट ये करता है कि पार्ट ए जो अप्रोच है उसको आप कंप्लीटली पहले पढ़ लें और तब कोई एक पार्ट पढ़ें, और उसका एग्जाम्पल भी नीचे दिया है. The framework puts an example and suggests that if one has to read the part science education, हमने बताया था कि एक part इसका है, शायद C part है, but I can't recall. उसमें सारे subjects दिए हुए हैं जिसमें science education है, language education है, mathematics education है. तो ये कह रहा है कि यदि आपको उसका एक part science education पढ़ना है तो कैसे पढ़ना चाहिए. He she should read part A completely and then science education in part C. सही हमने कहा था, यहाँ लिखा भी हुआ है. तो साइंस पार्ट सी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें साइंस एजुकेशन भी एक पार्ट है. मतलब अंडर द पार्ट सी देर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स इन द नेम ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड साइंस एजुकेशन इज वन ऑफ देम. तो ये सजेस्ट कर रहा है कि यदि आपको साइंस एजुकेशन पढ़ना है तो पहले पार्ट ए को शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए और फिर पार्ट सी को पढ़िए जहाँ साइंस एजुकेशन है. तो इट फर्दर सजेस्ट दैट करिकुलम एंड सिलेबस डेवलपर्स मस्ट रीड इंटायर वॉल्यूम. यदि आपको करिकुलम डेवलप करना है और सिलेबस डेवलप करना है स्कूल एजुकेशन का, यू हैव नो वे आउट एक्सेप्ट टू गो थ्रू द टेक्स्ट फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड. क्योंकि आपको करिकुलम बनाने में इंसाइट मिलेगा और सिलेबस डेवलप करने में इंसाइट मिलेगा. कंटेंट डेवलपर्स
जो मान लीजिए कि करिकुलम बन गया है किसी खास सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स का कंटेंट बनाना है, साइंस का कंटेंट बनाना है, उसकी तरफ इशारा है। सो कंटेंट डेवलपर्स में रीड कंटेंट फॉर टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब वो कैसे बनता है उसके लिए एक हेडिंग बनाया हुआ है, कंटेंट फॉर टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अदर स्टेक होल्डर्स मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, एवरी सिटीजन जो गार्जियन है वो भी स्टेक होल्डर है। सो अदर स्टेक होल्डर्स में रीड समरी चैप्टर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब समरी पढ़ लीजिए, चैप्टर ऑफ इंटरेस्ट पढ़ लीजिए, एंड पार्ट ए, मतलब ये कह रहा है कि यदि आपको कम पढ़ना है तो एक सजेशन ये दिया कि पहले पार्ट ए कंप्लीट पढ़िए, दूसरा सजेशन दिया कि जो सब्सिक्वेंट पार्ट है उसको पढ़िए, तो ये पढ़िए। यहाँ सजेस्ट ये कर रहा है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पहले समरी को पढ़ लें, समरीज को समझ लें, फिर चैप्टर ऑफ इंटरेस्ट पढ़ें एंड उसके साथ साथ पार्ट ए पढ़ें, मतलब समरी, पार्ट ए एंड दी चैप्टर ऑफ इंटरेस्ट या दी कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, एज फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज एजुकेशन, एज फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स एजुकेशन एंड लाइक दैट। डिफरेंट प्रेजेंटेड इलिस्ट्रेशंस, बहुत सारे इलिस्ट्रेशंस इसमें है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रिकमेंडेड। आप यदि एजुकेशन के स्टूडेंट हैं और टीचर एजुकेटर, यदि यंग टीचर एजुकेटर हैं, तो आपके लिए तो और की उसको पढ़िए, ठीक से पढ़िए, देन यू विल हैव ए वेरी कंप्लीट इंसाइट ऑफ सो मेनी आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग। सो डिफरेंट प्रेजेंटेड इलिस्ट्रेशंस आर इम्पोर्टेंट एंड नॉलेज गिविंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ टू बी रेड, और ख़ास के एमएड के सीरियस स्टूडेंट के लिए, और टीचर एजुकेटर के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको उनको जरूर पढ़ना चाहिए। द फ्रेमवर्क पार्टिकुलरली एडवाइस नॉट टू रीड ओनली समरी एंड अंडरस्टैंड दैट द फ्रेमवर्क हैज बीन रेड कंप्लीटली, मतलब ये समझने की भूल ना करें कि आपने समरी तो पढ़ ली है, और समरी चूंकि पढ़ लिया है तो आप ज्ञानी हो गए उस करिकुलम को। ज्ञानी तभी आप हो सकते हैं, इनसाइट आपको कंप्लीट तभी मिल सकता है जब एलोंग विथ ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, पार्ट ए तो ही पढ़िए ही, समरी भी पढ़िए, समरी का डिफरेंट जो पार्ट है उसको पढ़िए, और जितने भी उसमें टेबल्स हैं, जैसे अब टेबल दिया हुआ है, कुछ चीज़ की हम चर्चा करेंगे और इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप, बियॉन्ड द क्या कह सकते हैं उसको, आउटलाइन, अदरवाइज तो पूरा टेक्स्ट ही हमको पढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारा फोकस टीचर एजुकेशन है, तो मुख्य रूप से ये कि जो इलिस्ट्रेशन है उसको देखिए, क्योंकि उसमें मेथड्स की लिस्ट भी दी है, कौन कौन से मेथड्स होंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी जिससे लर्निंग फैसिलिटेट होगी, सो यू विल गेट ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग। बहुत सारे मेथड्स की जानकारी आपको हो जाएगी, ये सब चीज़ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन ये सजेशन है कि समरी को सिर्फ पढ़ के विद्वान समझने की भूल ना करें। सो पहला तो ये कि आप पूरा शुरू से अंत तक पढ़िए, समरी पढ़ के ये मत समझिए कि हमने सब पढ़ लिया, हिधर एंड दिधर से नहीं पढ़िए उसको, प्लांट वे में पढ़िए, और यदि कम पढ़ना है तो पार्ट ए जरूर पढ़िए, समरी भी पढ़ लीजिए, और तब कोई कंसर्न पार्ट पढ़िएगा तो आपको समझने में सहूलियत होगी। पार्ट ए इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए कंप्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द करिकुलम, और खास के उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और चूंकि हमने पार्ट ए लिया है और उसी को हम आगे और नरेट करेंगे इन फोर चैप्टर्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, लेकिन ये सजेशन ये है कि इस टेक्स्ट को, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए आपको लर्न करना है, और वो लर्निंग ऐसी कि पार्ट ए जरूर पढ़ें, समरी भी पढ़ लें, और तब कंसर्न कोई पार्ट पढ़ें, और यदि आपके पास समय है, आप उस पर ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा इंसाइटफुल बनना चाहते हैं, तो इस एक टेक्स्ट को पढ़ के आप मेथोडोलॉजी, पेडागॉजी, असेसमेंट, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इट्स टाइम एलोकेशन, सब कुछ समझने में आपको सहूलियत होगी, एंड यू विल बी हैविंग ए वेरी गुड एंड साउंड नॉलेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट, थैंक यू।